जी, आरिका जी, राघवेंद्र जी, हमारे डायरेक्टर विनय पांडे जी और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव आदरणीय नीना श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी बंधुओं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है कि पूरे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 56,10,819 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे और इनमें जो परीक्षा दी थी उन्होंने 52,57,135 लोगों ने परीक्षा दी थी। इनमें आज परीक्षा का परीक्षा फल आ जाए ये अपने आप में एक सपना था। सपना मैंने इसलिए कहा कि कठिन परिस्थितियों में हमने परीक्षाएं कराई थी और कोरोना के संक्रमण काल में मैं अवनीश अवस्थी जी को इसलिए बधाई दे रहा हूं कि आराधना जी ने उनसे आग्रह किया था कि हम कॉपी की चेकिंग पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ करा लेंगे और उन्होंने अपने सतत प्रयत्न से इस चीज को गृह विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा उसको अनुमन्य किया गया और उसके बाद हमारी कॉपी चेकिंग भी 21 दिनों में इतना मैंने कहा कि 52 लाख से ऊपर की कॉपियों को चेक करना लगभग 2,82,093,304 इतनी कॉपियों को 21 दिनों में जांचना और जांचने के बाद उनका परीक्षा फल अत्यंत शीघ्रता के साथ में घोषित करना, ये महालक्ष्य हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राप्त किया गया। आप जानते हैं कि मैं थोड़ी सी भूमिका के बाद रिजल्ट को घोषित करूंगा। हमारा रिजल्ट इस बार का मैं फिर से बधाई दूंगा अपने बच्चों को कि हमारा रिजल्ट पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा रहा है, हाई स्कूल का भी और इंटरमीडिएट का भी। और हमारे इस परीक्षा फल को आने में हमने एक बड़ा मैराथन प्रयत्न किया है और उस मैराथन प्रयत्न में सबसे पहले हमने 10 माह पहले ही घोषित कर दिया था कि 18 फरवरी को परीक्षा प्रारंभ करेंगे और 6 मार्च को समाप्त कर देंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 दिन में, हाई स्कूल की परीक्षा 12 दिन में ये हमने संपादित किया। ये ऐसा लक्ष्य था जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास में पहला अवसर था। 1.5 महीना हमारी परीक्षाएं चलती थी, हमने 12 दिन और 15 दिन में केवल परीक्षाओं को समाप्त किया। साथ में हमने प्रश्न पत्रों के मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए थे, फ्री के एक टोल फ्री हेल्पलाइन हमने लगा दी थी। अब की बार नकल विहीन परीक्षा हो सके इसके लिए इतना वृहत इंतजाम किया गया था कि 95,000 परीक्षा कक्षों को जहां हमने लिया था वहीं 1,91,000 जो CCTV कैमरे, राउटर और हाई स्पीड इंटरनेट के प्रावधान के साथ में लगाए गए थे। हर परीक्षा केंद्र पर हमारा जो मॉनिटरिंग सेंटर था और परीक्षा केंद्र के बाद शहर का एक मॉनिटरिंग सेंटर होता था जहां सीधे CCTV कैमरा के माध्यम से हम देख सकते थे और पूरे शहर के साथ साथ सारे शहरों को जोड़ता हुआ लखनऊ में एक सेंट्रलाइज मॉनिटर सेंटर था जिसे हम लाइव मॉनिटरिंग भी करने में सफल थे। यानी इस बार हमने टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ साथ हमने एक कॉल सेंटर भी यहाँ पर बनाया, संचालित किया, 2 हेल्पलाइन नंबरों को, समर्पित ईमेल आईडी को, ट्विटर हैंडल को हमने साथ में लगाया और कॉपियों में नकल ना हो सके इसके लिए 4 रंगों की उत्तर पुस्तिकाओं को, पहली बार 4 रंगों की उत्तर पुस्तिकाओं को जो क्रमांकित करके उनमें कोडिंग करके उनको हमने परीक्षा के लिए रखा था और जो परीक्षा की ड्यूटी लगती थी उसको भी एक एप्लीकेशन के द्वारा, इस एप्लीकेशन मॉड्यूल के माध्यम से उसको लगाया गया। और पहली बार आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस वर्ष की परीक्षा में हम लोग इंटरमीडिएट में भी कंपार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान कर रहे हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा का यानी उसको अगर किसी को एक विषय में फेल है, देश देना चाहता है तो हम परीक्षा का उसको
अवसर देंगे। हमको लगता है कि सामान्य परिस्थिति आने पर कंपार्टमेंट परीक्षा को हम कराने में सफल होंगे। प्रथम बार डिजिटल प्रमाण पत्र से अंक पत्र प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कोरोना के संक्रमण पीरियड की कठिनाइयों के कारण तत्काल जो हमारा सॉफ्ट कॉपी मार्कशीट की है उसको मिलना थोड़ा विलम्ब हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जो अंक पत्र है उसकी उपलब्धता रखी है 1 जुलाई से, एक जुलाई से ना। डिजिटल माध्यम से 3 दिन के अंदर मिलेगी, वो इस बात का प्रमाण होगी कि डिजिटल माध्यम से मिला हुआ अंक पत्र प्रवेश के लिए एलिजिबल होगा। और हम 15 जुलाई से हाई स्कूल के और 30 जुलाई के आसपास इंटरमीडिएट के जो अंक तालिकाएं हैं सॉफ्ट कॉपी उनको उपलब्ध हम करवा देंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा 1 अप्रैल को हमारा प्रारंभ होता है नया सत्र, और 1 अप्रैल से जो नया सत्र प्रारंभ होता है उसमें बच्चों की पढ़ाई का हर्जा ना हो इसके लिए हमने ऑनलाइन टीचिंग व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से जो हमने शिक्षा हेतु 2,97,000 व्हाट्सएप ग्रुप गठित किए और 67 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए। हमने अपनी वेबसाइट पर ई पाठ्य पुस्तकों को, दीक्षा पोर्टल पर विषयवार शैक्षिक वीडियो को, यूट्यूब चैनल को, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट व्याख्यानों व स्व अधिगम मुद्रित सामग्री तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक जिज्ञासाओं के समाधान हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन का हमने व्यवस्था कराई थी, जिसका लाभ ये हुआ कि बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अपनी परीक्षाओं को देने में सफल हुए। आपको बताते हुए मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि हमने हर तरफ शुचिता रखी और इस शुचिता के माध्यम से आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 7,783 हमने 7,783 केवल अपनी परीक्षा केंद्र बने थे, यानी हर परीक्षा केंद्र को देखा जाए तो हर वर्ष बढ़ने चाहिए थे, लेकिन हमने क्योंकि पारदर्शी व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया तो जहाँ पर 1919 की तुलना अगर की जाए तो 517 परीक्षा केंद्र, अगर 18 की तुलना की जाए तो 766 परीक्षा केंद्र, और अगर वर्ष 2017 में जो हमने परीक्षा कराई थी शासन में आने के बाद तो उससे अगर तुलना की जाए तो 3,631 परीक्षा केंद्र कम हुए हैं इस बार, यानी 7,783 परीक्षा केंद्र कुल हुए हैं, 2017 की अपेक्षा 3,631 परीक्षा केंद्र हमारे कम हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि ये हमारी परीक्षा की वो नीतियां थीं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद के व्यवस्थाओं को बदला है। आपको याद होगा कि 1.5 माह परीक्षाएं होती थी, अब 12 दिन और 15 दिन में परीक्षा संपादित हो रही। आपको ताजुब होगा कि आपने 3 साल पहले परीक्षाएं देखी होंगी कि जब पुलिस खड़े होकर करती थी जैसे लगता था युद्ध स्थल पर जा रहे, सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ के लोग आधा आधा ट्रक नकल की सामग्रियां निकल कर आया करती थी। अगर आप उस कल्पना करें कि परीक्षा के दौरान मास कॉपिंग हुआ करती थी, आज विद्यार्थी अपने आप से परीक्षा को आसानी के साथ पढ़ रहा है। हमने कोर्स शेड्यूल को भी परिवर्तित किया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोर्स शेड्यूल हमारा अब इस प्रकार का हो गया कि पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमने NCERT का पाठ्यक्रम लागू कर दिया, यानी 3 साल में जो क्रांतिकारी जो शैक्षिक क्रांति अगर आई है उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में तो शैक्षिक क्रांति थी कि हमने पाठ्यक्रम का परिवर्तन कर दिया, और पाठ्यक्रम का परिवर्तन ही नहीं किया उनकी पुस्तकों को हमने उपलब्ध कराया, पुस्तकें महंगी दामों पर ना बिके इसके लिए बाजार के साथ हमने अपने अपने वेबसाइट पर पुस्तकों के मूल्यों का अंकन कर दिया कि इससे ऊपर अगर कोई मांगता है तो हमने सरकारी विद्यालयों में अपने पुस्तकों के विक्रय का स्थान रखा कि वहां पर पुस्तकें सही दामों पर मिल जाए। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 60% से ऊपर हमारी पुस्तकों के दाम कम है, यानी 15-20 साल पहले जो पुस्तकों के दाम होते थे आज NCERT की पुस्तकें हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो हमारी पुस्तकें हैं वो एक सस्ती दामों पर
एक अच्छे पाठ्यक्रम के साथ में हमारे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। तो ये एक आमूलचूल परिवर्तन हमारा था और इसको मैं कह सकता हूँ कि ये परिवर्तन केवल माध्यमिक शिक्षा माध्यम परिषद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे और उनके द्वारा इस जिज्ञासा के साथ कि हम मेधावी छात्रों का सम्मान भी करेंगे, उनका गौरव पथ के सड़क का निर्माण भी करेंगे, उनको 1,00,000 रुपए देंगे और हम उनको लैपटॉप भी देंगे। ये तमाम प्रकार की चीजों को हमने प्रारंभ किया है और इसका प्रतिफल एक सकारात्मक दृष्टि को लेकर आया है। आज आप सबके समक्ष, चूंकि हमारा परीक्षा फल, मैंने पहले कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा फल गत वर्ष के परीक्षा फल से अधिक अच्छा आया है। बाकी इसकी डिटेल विवरण जो है वो हमारे डायरेक्टर विनय पांडे जी और हमारी परीक्षा को संपादित कराने वाली सचिव नीना श्रीवास्तव जी देंगी। मैं अपनी टीम में खासतौर से हमारी प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, अब तो हैं अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला जी को मैं बधाई दूंगा कि इनकी पूरी टीम में जो राजेश कुमार जी थे विशेष सचिव, अब आजकल वो आजमगढ़ के डीएम हैं, हमारे डायरेक्टर विनय पांडे और नीना श्रीवास्तव सचिव, एक टीम के रूप में हमारी पूरी टीम ने काम किया था और इस टीम के माध्यम से हमारे सारे DIS, हमारे सारे जिला अधिकारी, हमारे सारे SSP एक टीम की भावना से काम कर रहे थे। और इन सब से बढ़ के मैं फिर से दोहराऊंगा कि हमारे गृह सचिव ने प्रतिदिन का आकलन किया है, यानी परीक्षा एक टीम वर्क के माध्यम से भी सरकार कितना सतर्क थी कि प्रतिदिन सारे लोगों को बात करने का, जिला अधिकारी से लेकर SSP तक का या DIO से लेकर और बड़े अधिकारियों तक का काम भी गृह सचिव और हमारे प्रमुख सचिव माध्यमिक के द्वारा किया जाता था। तो ये आज का ये शुभ अवसर आया है। मैं कहूंगा कि विनय पांडे जी अपना परीक्षा फल को आप का विवरण प्रस्तुत करें, नीना श्रीवास्तव जी विवरण प्रस्तुत करें। आज के इस परीक्षा फल कार्यक्रम घोषणा के अवसर पर मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी का, अपर मुख्य सचिव महोदय का, अपर मुख्य सचिव गृह महोदय का और शासन के अधिकारियों का, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये हमारे माध्यमिक शिक्षा का महाकुंभ है, जैसे महाकुंभ आता है उस तरह से हम लोग इसको पर्व के रूप में मनाने का प्रयास किया गया है। और प्रतिवर्ष ये इलाहाबाद प्रयागराज से घोषित होता था, इस वर्ष चूंकि माननीय उपमुख्यमंत्री जी का शुरू से ही इसमें लगाव रहा है, हमारी अपर मुख्य सचिव साहब का और इनकी